गुड आफ्टरनून दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में। दोस्तों अभी मौजूद हूं प्याज मंडी में और लाइव तस्वीर में देखेंगे दोस्तों आज जो है केशवपुर मंडी के अंदर जो है किस तरह का माहौल देखने को मिला। और आज जो है सुबह से बूंदाबांदी बारिश भी हुआ दिल्ली के अंदर। और दोस्तों आपको एक बार दृश्य दिखा दूँ इस समय जो है क्या कुछ ग्राहकी चल रहा है मार्केट में और किस तरह का जो है माहौल बना हुआ है। और अभी भी जो है दोस्तों चारों तरफ जो हल्के फुल्के बादल लगे हुए हैं और आप देख सकते हैं इस समय जो है क्या कुछ ग्राहकी है मार्केट में। देखो जी और फिर क्वालिटी दिखा देता हूं दोस्तों एक एक करके आप सभी को जो क्या कुछ क्वालिटी जो है सर के पास खुला हुआ है। ये अपना जो है पूना बेल्ट का प्याज है जी जूट वाले कट्टे में। देखो इस तरह का क्वालिटी जो है खुला पड़ा हुआ है। देखो जी एक इधर है और एक इधर लोट है जी। नमस्कार सर जी। नमस्कार जी। नमस्कार सर जी, आज का क्या कुछ माहौल बना हुआ है, किस तरह का जो है स्थिति है और क्या ताजा अरेवल है, क्या बैलेंस है सर? ताजा बैलेंस मिला के 16 गाड़ी। अच्छा जी। और रेट हो गए आपके 16 से 20 रुपए किलो। 16 से लेकर के 20 रुपए। अच्छा तो ये पूना वाले प्याज जो है उसका बाजार है या फिर सभी प्याज का है सर? देखो जी पूना वाले जो बढ़िया आ जाए उनका है और टॉप में 20-21 रुपए किलो। अच्छा जी टॉप में 20 से लेकर के 21। 20-21 और जो एवरेज माल है सर? एवरेज जैसे ये बेच रहे हैं 18 रुपए किलो। अच्छा जी 18 रुपए। अभी जो अगर खरीदारी की अगर बात करें ज्यादातर माल किस रेंज में बिक रहा था? अभी जनरल माल आ रहे हैं तो ये 18 रुपए किलो जनरल ही है। ये एमपी के हैं। अच्छा ये पीछे लाट पलटा है ये देखो। ये वाला जो प्याज है सर आपने पलटा हुआ एमपी का, ये एमपी का इसका क्या कुछ बाजार चला सर? ये सेम बाजार है 18 रुपए किलो के। 18 रुपए। और ये वाला सर? ये भी 18 रुपए किलो। अच्छा जी ये भी 18। तो सर इनमें क्या कमी देखने को मिल रहा है सर? कमी थोड़ी मूछ वूछ है। अच्छा जी। और फिनिशिंग कम है बाकी साइज वाइज अच्छा है। अच्छा कितने कट्टे लाट पड़े? 242 कट्टे का लाट है। तो सर इसके अलावा और भी कुछ मतलब तेजी देखने को मिला और जैसे प्रोडक्शन मंडी है उधर जो है क्या कुछ माहौल बना हुआ है, क्या स्थिति बना हुआ है सर? प्रोडक्शन मंडियों में थोड़ी तेजी बनी हुई है जी लेकिन यहाँ धीरे धीरे उठ रही है। अच्छा जी जी। तो आज जो है प्रोडक्शन मंडी में जो है क्या कुछ माहौल देखने को मिला सर, क्या कुछ बाजार टाइट हुआ सर? 2-3 रुपए किलो की हर जगह नासिक वगैरह तेजी बता रहे हैं। अच्छा जी जी। तो सर यहाँ पे जो है अभी अगर बात करें संडे से लेकर के आज जो है शनिवार का दिन है लास्ट संडे से अभी तक जो है कितने रुपए तेज हो चुका है? यहाँ भी तो 2-3 रुपए किलो का फर्क आ चुका है। अच्छा जी। अजय जो पहले 17 बिक रहा था वो 20 पे आ गया जी? नहीं इतना नहीं है, जो जनरल में है उनमें 1 रुपए किलो की तेजी। जैसे ये जो माल 18 बेच रहे हैं जी ये पहले 16-17 की रेंज थी। अच्छा इन जनरल में 1-1.5 रुपए किलो, बाकी जो खरी क्वालिटी है पहले भी ऊपर बिक जाती थी 21 तक। अच्छा वो इधर नहीं पहुंच पाए थे अब पहुंच गया है। अच्छा जी जो माशाखोरी में। और सर जी वही बात करें एमपी का तो एमपी का सर नीचे में क्या बाजार रहा, ऊंचे में क्या बाजार रहा जी? एमपी का बाजार नीचे में यही है 15-16, बाकी वो भी 20 तक है। तो कोई खास स्पेशल गाड़ियां 20 वाली आई आ नहीं रही हैं, आ जाए तो वो भी बिक जाती है क्योंकि उनकी कुछ अच्छा। कलर पत्ती इस मंडी में अच्छा मानते हैं। अच्छा वो भी अच्छे से बिकता है। अच्छा जी। और सर वही बात करें जो अपना नासिक बेल्ट का प्याज है उसका क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है? नासिक बेल्ट के सेम पोजीशन में है लेकिन नासिक से जो पुणे बेल्ट को थोड़ा महंगा बिकता है, लाट वाइज होता है जी। 1-1.5 रुपए किलो उसका अगर अच्छा आता है तो ऊपर बिकता है। अच्छा अगर वो 21 तक बिकता है तो नासिक बेल्ट का अच्छा 20 तक बिकता है। अच्छा जी। तो सर ये जो प्रोडक्शन मंडी में रेट तेज हुआ है, रिटेल मंडी में भी वही मतलब स्थिति चल रहा है, थोड़ा बहुत ही तेजी देखने को मिला है, तो उसका जो है प्रभाव कब तक पड़ेगा यहाँ पे? कुछ नहीं कह सकते क्योंकि इधर उठाव कम है, बाकी जगह माल की शॉर्टेज बनी हुई है उस कारण भी तेज हो सकता है। कई जगह कह रहे हैं कि माल ही कम आ रहा है तो हो सकता है 1-2 दिन में इधर बने। कुछ लोगों का अभी पंजाब कह रहे हैं, पंजाब आज उछला हुआ है, माल कम पहुंचा है वहाँ 20-21 की पोजीशन हो गई है। अच्छा जी। तो अभी बातें बातें हम तो ये देखते हैं ना हम कितना तेज बेच पाते हैं। अच्छा कल हमारे इधर कुछ अराइवल कम होती है हम भी तेज बेच गए इससे भी। अच्छा तो पता लगेगा। अच्छा मतलब अगर यही अराइवल रही तो यही पोजीशन बनी रहेगी। अच्छा हाँ जी।
मतलब यहाँ पे क्या कुछ अराइवल रहना चाहिए जिससे मतलब रेट ठीक ठाक, मतलब 8-9 गाड़ी तक में बाजार ठीक ठाक मिल जाता है। अच्छा जी, मतलब 8-9 अभी तो मतलब उस हिसाब से देखा जाए तो डबल ही है। तो हाँ, डेली कल भी 13 गाड़ी ताजी थी जी, आज भी 16 हो गई हैं, मतलब कुल मिला के अराइवल टूट नहीं रही है जिसके कारण तेजी बन नहीं पा रही। अच्छा, तो सर इस समय जो प्याज आ रहा है, चाहे MP का प्याज हो या फिर अपना महाराष्ट्र का प्याज हो, तो सर क्वालिटी पहले से कितना सुधरा है? सर पहले से तो काफी सुधर गया, पहले डैमेज की बहुत शिकायत होती थी, अब कम है। अच्छा, और सर जैसा कि अभी बताया जा रहा है नूह में भी जो है काफी गाड़ी रुका हुआ है, काफी कुछ मतलब उधर भी होल्डिंग में है, तो क्या ये रिपोर्ट कहाँ तक रियलिटी है क्या है, और वो जब गाड़ी मार्केट में एंटर करेगा तो क्या फिर बाजार का रुख रहेगा? नूह में गाड़ी रुका हुआ है प्याज की जी? नहीं, मुझे कोई ऐसी रिपोर्ट है नहीं। अच्छा, और मुझे ये रिपोर्ट है कि ये जो पीछे मुंह में दंगों वगैरह के कारण जी लोडिंग वाली जगह पे गाड़ियां कम पहुंचे जिसके कारण भाड़ा तेज हो गया है। अच्छा, मतलब वहाँ पे लोडिंग वाली गाड़ी जो है वहाँ की मंडियों में अच्छा कम पहुंचा है, कम पहुंची होंगे ना, 2-3 दिन रुक गए होंगे वो लोग गाड़ी वाले, क्योंकि ज्यादातर मेवात साइड के होते हैं ये गाड़ी वाले। अच्छा अच्छा, रुक गए होंगे वो लोग तो कम पहुंचे होंगे, जैसे इंदौर कम पहुंचे तो भाड़ा उछल गया होगा। अच्छा, मतलब ढाई का भाड़ा आ रहा था वो 3 का हो गया होगा। मेन बात यह है कि कोई खास फर्क नहीं, 98 किलो महंगा हो गया भाड़ा। अच्छा, मेन जो है मतलब कहने का मतलब है कि जो गाड़ियों का शॉर्टेज है। जी जी। अच्छा, वो भी इतनी नहीं है, लोग निकाल भी कम रहे हैं, सुनने में तो यह है कि MP से लोडिंग भी कम हो रही है। अच्छा, कारण यही है कि शायद पढ़ते नहीं आ रहे या और महंगा होने के चक्कर में है वहाँ के जी, या फिर लोडर का ये हो सकता है कि उसका पैसा नहीं बन रहा इस रेट में यहाँ। अच्छा, तो सर अभी स्थिति जो है, जो रुपए 2 रुपए धीरे धीरे टाइट हो रहा है, तो ये मतलब सामान स्टेबल ही रहेगा बाजार या फिर दोबारा रेट बन करके फिर दोबारा नीचे आ जाएगा? देखो जी, कुछ नहीं कह सकते जी, अभी स्टेटमेंट देना बेकार है कि परसों आपका नीचे हो जाएगा, हमारे अपने धंधे पे ये सब बढ़ जाता है। अच्छा जी सही बात है जी, अभी तो वैसे सपोर्ट करेंगे और तेज होता जाए, लेकिन यहाँ रहेगा जी, यहाँ तो रहेगा। अच्छा जी, मतलब कोशिश करोगे आप लोग भी कि जो मतलब बाजार जो है धीरे धीरे उठता ही रहे, बाजार डाउन होने का चांस ना हो। काफी समय हो गया है, माल डैमेज भी निकल गया है काफी, उठना चाहिए, पर यहाँ टिका रहेगा, लग रहा है कि यहाँ टिका रहेगा। अच्छा, और सर ये जो सावन अभी चल रहा है, जैसे सावन खत्म होता है तो क्या प्रभाव पड़ेगा सर प्याज पे? कहते हैं सावन में सेल कम हो जाती है, अगर खत्म होने के बाद सेल अच्छी निकलती है तो नेचुरली प्रभाव पड़ जाएगा। अच्छा सर, जैसे कि आप लोग हर साल प्याज सावन के टाइम में बेचते हुए आ रहे हैं, सालों से आपका कारोबार है प्याज का ही? हाँ जी, हाँ जी। तो मतलब कैसा रहा? हर साल धंधा अपडेट हो जाता है कि सावन वगैरह का, नवरात्र का हमें नहीं कुछ पता लगता। अच्छा। कहते हैं नवरात्र में सेल कम हो जाती है, कई बार नवरात्र में ही उछला मिलता है। अच्छा, हमें तो यह पता लगता है कि लोडिंग कम हो गई है बस। अच्छा, और हम अगले दिन 2 रुपए उठाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, मतलब जितना जो है लोडिंग अनलोडिंग से फर्क पड़ता है, उतना जो है फेस्टिवल से कुछ फर्क नहीं पड़ता? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, मतलब फेस्टिवल चाहे आए जाए, आपका सावन चल रहा है, अगर लोडिंग कम होती तो हम कहेंगे कहीं उतने सेल हमें अच्छी लगती। अच्छा, अब हर दुकान पे लोडिंग मिलती है 15-16 गाड़ियां, तो सावन का बहाना है जी सेल कम है। अच्छा, मतलब सारा खेल जो है यहाँ पे माल का ही है जी? माल का है। अच्छा, तो सर एक बार शॉप नंबर और कॉन्टेक्ट नंबर बताओ। शॉप नंबर 41 9811470108। ओके जी, धन्यवाद सर। धन्यवाद।